ऐसा वाला को रोहू मछली बोलते हैं, और ये वाला हो गया आपका कातला मछली। देखिए कविता जी कलवट में पहले ही घुस करके है इधर। दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छा तरह से ये फ्राई हो गया है। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी हम गए हुए थे बाज़ार, तो बाज़ार से हम लेकर के आए हैं दोस्तों। देखिए मछली, देखिए एकदम मस्त ताज़ा मछली मिला दोस्तों, तो लेकर के आ गए। आज इसी को बनाएंगे मस्त से, क्या जी? हाँ जी, अच्छा लगेगा ना? हाँ अच्छा लगेगा, एकदम ताज़ा मछली मिल गया जी बाज़ार में। हाँ। तो सोचे कि ले लेते हैं। ठीक है। हाँ तो ले लिए हैं दोस्तों। देखिए मछली एकदम मस्त ताज़ा मछली, एकदम देहाती वाला है, एकदम तालाब का मछली है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों अभी रात भी हो चुका है, और हम लोग अभी देखिए खाना चढ़ा हुआ है हम लोग का डेक्ची में, और हम लोग अभी मछली बनाने का तैयारी कर रहे हैं। इसको पहले धो लेते हैं, तो चलिए जी। हाँ चलिए जी, चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर आ गए हैं मछली धोने के लिए, कलवट घर से बाहर में है अभी। और देखिए दोस्तों कितना एकदम अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। इधर पहाड़ी साइड में बहुत जल्दी बेरा डूब जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है पूरा एकदम आपको 5-6 बजे के बाद में आपको पूरा यहाँ पर अंधेरा महसूस होने लगता है एकदम इधर में। तो अभी हम लोग मछली पहले बना लेते हैं, इसको पहले छीलते हैं अच्छा तरह से। देखिए इस तरह से छीलेंगे इसको। रोहू मछली बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसा वाला को रोहू मछली बोलते हैं, और ये वाला हो गया आपका कातला मछली। इस तरह का रहता है मछली, का बहुत सारा प्रकार रहता है। तो हम लोग को यही वाला ताज़ा में मिल गया, तो हम लोग सोचे कि ले लेते हैं आज। और इसे भी अगहन पड़ गया है, तो अगहन में खाने का इसका स्वाद भी अलग ही रहता है एकदम। ठंडा का सीज़न में हमेशा जो है मछली बहुत ही टेस्ट लगता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि ले लेते हैं और इसी को आज बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है दोस्तों अभी बारी में काम कर रहे थे दिन में, तो मतलब हम लोग ब्लॉग भी शूटिंग नहीं कर पाए थे, तो हम लोग को रात में ही हम लोग को ब्लॉग आज शूटिंग करना पड़ रहा है। और सोच रहे हैं ब्लॉग भी शूटिंग हो जाएगा और मछली भी बन जाएगा हम लोग को खाने के लिए, क्या जी? हाँ जी। बाबू भी गुचा रहा है ना जी? हाँ जी। तो यह गुचा न सक रहा है बाबू? सकता है। देखिए दोस्तों हम लोग मछली धो करके आ गए हैं, बहुत अच्छा तरह से हम लोग मछली को धो लिए हैं। अब हम लोग इसको फ्राई करने का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए जी नमक दीजिए। नमक दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, इसको हो जाएगा। हाँ डालो। हाँ और डालो। बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत हो गया। इसको नमक हल्दी से सान लिए हैं दोस्तों, और देखिए तेल भी गर्म हो गया है, अब देने जा रहे हैं। साइड हो बाबू, तेल सुन के जा, साइड हो जा। नहीं नहीं नहीं, अब वहाँ पर पकने दो उसको, उसके बाद में फिर इसको देंगे, उसको उठा लेंगे एक बार तब ना, ताकि यहाँ पर भर गया दोस्तों। एक साइड में पक गया है, अब इसको उलाते हैं। एक साइड में एकदम बहुत बढ़िया लाल हो गया है, जब उलाट देंगे तो दोनों साइड में बढ़िया से पकेगा। लंबा लंबा एकदम मछली है दोस्तों इधर। हाँ हाँ नवा नवा है, बढ़िया। दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छा तरह से ये फ्राई हो गया है, अब इसको निकालते हैं। साइड हो जाओ बाबू। पूरा एकदम एक ही में सट गया इधर, क्या बाबू? हाँ देखो कोरोला खाएगा तुम, ये वाला ना? अच्छा यही वाला देंगे तुमको, सब खाए, सब खाएगा? हाँ, हाँ तो सब देंगे। दोस्तों रंगीरा पापा उधर भून रहे हैं मछली को, और मसाला तैयार कर लिए हैं, जीरा गोरती है, लहसुन है, मिर्चा है और सरसा है, और पीसने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मस्त एकदम मछली फ्राई हो गया है एकदम, बहुत एकदम अच्छा तरह से मछली फ्राई हो गया।
अभी इसको उतारते हैं दोस्तों। ये हमारा आखिरी था और फाइनल भी हो गया। देखिए हम लोग इतना मछली फ्राई कर लिए हैं, अब ये लास्ट था दोस्तों, खत्म हो गया। मस्त एकदम फ्राई हो गया है, क्या टेस्टी फ्राई हुआ है एकदम मस्त एकदम। एक थाली हम लोग मछली फ्राई कर लिया है दोस्तों, ये देखिए अब इसको सब्जी बनाते हैं। तो चलिए जी सब्जी बनाने का तैयारी कीजिए, आइए जी। हाँ जा रहे। हाँ आइए। देखिए कविता जी कलवर में पहले ही घुस करके है इधर। मछली फ्राई हो गया है दोस्तों, अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। सरसों, उसके बाद में यहाँ पर अभी टमाटर डालने जा रहे हैं। लकड़ी हो रही है जी। अच्छा, और आप भी बैठे हुए हैं, पूरा एकदम कलवर घर का मजा ले रहे हैं ना। चलिए ठीक ठीक है, एकदम कलवर के अंदर में गेट लगा ही दिए हैं, मजा लीजिए मैम दोनों माँ बेटी। हल्दी डाल दिए दोस्तों, सुनो आप मसाला डाल दो। मसाला हल्दी डाल दिए हैं दोस्तों, मसाला पानी है इसको तो डालने के लिए भूल ही दिए थे, इसको पहले डाल देते हैं। अब इसी में देते हैं पानी। क्या हुआ लक्ष्मी, कलवर घर में मजा आ रहा है ना दोस्तों। देखिए पानी खोल गया है, हम लोग जो तरी बनाए हैं वो खोल गया है, तब इसमें मछली डाल देते हैं। ये हम लोग का मस्त एकदम मछली का करी बन रहा है दोस्तों, पूरा एकदम टमाटर के साथ में बना रहे हैं इसको। दोस्तों हमारा फाइनली मछली बन चुका है और हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, और दोस्तों मम्मी पापा नहीं खाते हैं मछली, और देखिए उधर सोनम अभी बैठी हुई है खाने के लिए, और खाना स्टार्ट भी कर दी है, और कविता जी भी खा रही हैं। कैसा टेस्ट बना है जी सब्जी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? और कैसा लगा सोनम? एकदम मस्त बना। मस्त बना है ना एकदम। चलो तो हम भी खा लेते हैं दोस्तों। इन लोग दोनों तो बोल दिया पूरा एकदम टेस्टी बना हुआ है हम लोग का मछली, तब हम खा करके टेस्ट करते हैं। मस्त फ्राई हुआ है जी। हाँ जी। चलिए और बाबू देखिए पहले ही मार लिया, देखिए इधर मछली भी खाया और साग भात भी खाया ना बाबू, पूरा एकदम टेस्टी ले रहा है एकदम बाबू, पूरा मजा लो। और खाएगा कोई मछली? और खाएगा? अच्छा ठीक, मिल रहा है। चप्पल पहनने गया है। चप्पल पहन के खाएगा। ये देखिए दोस्तों बहुत मस्त एकदम मछली फ्राई हुआ है, देखिए एकदम मस्त एकदम गूंज रहा है एकदम, और इसका कांटा देखिए एकदम छोटा छोटा कांटा है, क्योंकि ये देसी मछली है एकदम प्योर एकदम तालाब का मछली है, खाने में एकदम पूरा टेस्टी आ जाएगा। हम आप खाते हैं इसको। मज़ा आ गया दोस्तों मछली खा करके एकदम एकदम, इतना टेस्टी हम लोग का मछली फ्राई हुआ है और इतना मस्त से बनाए हैं, एकदम खा करके मज़ा आ गया एकदम, आनंद आ गया क्या जी? हाँ जी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय करो बाबू। बाय बाय। बाय बाय। Bye-bye.